26वीं आईनी तरमीम के बाद तश्कील दी जाने वाली 12 रुकनी पार्लियामानी कमेटी ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के लिए सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस याहिया आफरीदी को गैर मुतनाज़ा होने की बुनियाद पर नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है। पार्लियामानी कमेटी के इजलास में दो तिहाई अक्सरियत से याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की बुनियादी वजह यह बनी कि उन्होंने जजेस की हालिया सियासत में किसी भी मामले में खुद को मुतनाज़ा नहीं बनाया और आईन और कानून के मुताबिक फैसला देते रहे। दूसरी जानिब सीनियरिटी लिस्ट में पहले और दूसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब इमरान दार जजेस बनते हुए खुलकर सामने आ चुके थे और अपने जारहाना बयानात और रवैयों की वजह से काफी मुतनाज़ा हो चुके थे। याद रहे कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की हालिया तारीख में अलजहा ट्रस्ट केस के फैसले की रोशनी में सबसे सीनियर जज ही मुल्क का चीफ जस्टिस होता था। 26वीं आईनी तरमीम का बुनियादी मकसद मुल्क से अदलिया की डिक्टेटरशिप का खात्मा करना था, जिसके नतीजे में कई मुंतखब वज़राए आज़म जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फारिग कर दिए गए। हालांकि पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत में पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए तश्कील पाने वाली पार्लियामानी कमेटी में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के नुमाइंदे शामिल हैं। इस आईनी तरमीम के पास होने से पहले आईन के आर्टिकल 175A के तहत जजों की तैनाती के लिए जो पार्लियामानी कमेटी तश्कील दी गई थी इसकी सरबराही भी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कर रहे थे। ताहम इस पार्लियामानी कमेटी का किरदार रबर स्टंप से ज्यादा नहीं था और जजेस की तैनाती खुद जजेस ही किया करते थे। पार्लियामान की 12 रुकनी कमेटी में मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, एहसन इकबाल, आजम नजीर तारर और शाइस्ता परवेज मलिक कर रही हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर और सेनेटर फारूक एच नाइक को नामजद किया गया है। इसके अलावा जमीयतुल उलमाए इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तुजा, एमक्यूएम के राना अंसार, तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर अली जफर, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से हामिद रजा भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। तहरीक इंसाफ ने अगरचे इस कमेटी के लिए अपने नुमाइंदों को नामजद किया, ताहम इसने चीफ जस्टिस के चुनाव के अमल में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। याद रहे कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। नई आईनी तरमीम के तहत मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से 3 दिन कबल पार्लियामानी कमेटी को किसी एक जज के नाम पर इत्तफाक करके जाब्ते की कार्रवाई को आगे बढ़ाना लाजिम है। चुनाचे सुप्रीम कोर्ट के नए सरबा के इंतखाब के लिए कायम खुसूसी पार्लियामानी कमेटी ने 22 अक्टूबर को जस्टिस याहिया आफरीदी को नया चीफ जस्टिस नामजद कर दिया, जिसके बाद वजीर आजम ने समरी ऐवान सदर रवाना कर दी, जहां से उनका नाम फाइनल हो चुका है। वफाकी वजीर कानून के मुताबिक मंगल की रात होने वाले खुसूसी पार्लियामानी कमेटी के इजलास में जस्टिस याहिया आफरीदी को 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस नामजद किया गया। इस इजलास में चीफ जस्टिस की तकरूरी के लिए सेक्रेटरी कानून की जानिब से 3 जजों के नाम पेश किए गए। सेक्रेटरी कानून ने हाल ही में मंजूर होने वाली 26वीं आईनी तरमीम के तहत 3 सबसे सीनियर जजेस के नामों का एक पैनल कमेटी को भिजवाया था। इन जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी शामिल थे। बंद कमरा इजलास में तवील बहस के बाद कमेटी ने जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम पर इत्तफाक कर लिया। इजलास के बाद वजीर कानून ने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में इस बात की तस्दीक की कि जस्टिस आफरीदी को 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस नामजद किया गया है। बताया गया कि जमीयतुल उलमाए इस्लाम ने जस्टिस आफरीदी के नाम की मुखालफत की, ताहम 8 वोट उनके हक में पड़े, लिहाजा उनका नाम फाइनल कर दिया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन अमजद शाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी का लीगल करियर बहुत बेहतर था, क्योंकि दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं और इन्हें इंतजामी तजर्बा भी हासिल था। लेकिन उनका कहना था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने हालिया महीनों में नहायत गैर मुनासिब सियासी रवैया अपना लिया था, जिसके बाद उन्होंने मुतद्दिद ऐसे फैसले दिए जिनमें वाज़ेह तौर पर एक खास जमात के लिए जानिबदारी नजर आती थी। उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को सीनियरिटी के उसूल की खिलाफ वर्जी करते हुए सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था, जिस पर वकला बिरादरी ने एहतजाज भी किया था। अमजद शाह का कहना था कि चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होते रहे हैं, इसलिए वो जाती तौर पर जानते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर दिन 11 बजे तक आम मुकदमात की समाअत के लिए दस्तियाब होते थे और 11 बजे के बाद वो केसेस की समाअत नहीं करते थे।
उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने भी जस्टिस मुनीब अख्तर को जो खत लिखा इसमें इनकी 11 बजे के बाद अदम दस्तियाबी का जिक्र किया गया, जबकि उनके जूनियर जजेस और बिलखसूस एडहाक जजेस के साथ बदतमीजी और नारवा सलूक का भी जिक्र किया गया। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी अपने शानदार अदालती करियर को पिछले चंद माह में एक खास सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए गुल कर दिया और अब उनका शुमार भी इमरानदार जजेस में होना शुरू हो गया था, बल्कि वो इन जजेस के सरखेल करार दिए जाते थे। ऐसे में पार्लियामानी कमेटी ने जस्टिस आफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के लिए इसलिए फौकियत दी कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की तरह ना तो मुतनाजा थे और ना ही सियासी थे। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।